बारिश बारिश के चलते इतना दशा, देखिए अभी भी बारिश हो रहा है, एक दो बूंद पड़ रही है, देखिए देखिए मौसम कितना मतलब अच्छा तो हुआ है, लेकिन मौसम तो अच्छा है लेकिन कपड़ा नहीं सूखता है तो बहुत गुस्सा आता है। अब देखिए कल हम लोगों को घर भी गांव भी जाना है, अभी ले कपड़ा कोई नहीं सूखा है तो उसको मैं कहाँ रख के जाऊंगी समझ में नहीं आ रहा। फिर हम लोग परसों चले आएंगे तो रात को उसको मतलब नीचे ला के पंखे में पसारना पड़ेगा, क्या करूँगी। इलायची भी डाल दी, लाल चाय में इलायची डालिए तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसको रख देती हूँ। सब डब्बा सब धो धो के यहाँ पे रखी हूँ सबको, मतलब इसको कहाँ इस सब का अपना अपना प्लेस पर रखना पड़ेगा, समझ में कुछ भी नहीं अभी आ रहा है, इसी में रख देती हूँ। तो क्या गिर गया नीचे, क्या ना लाल चाय थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, फीका फीका अच्छा नहीं लगेगा। ले ली हूँ नींबू, तभी स्कूल खुल जाएगा, दो दिन का और छुट्टी है उसके बाद से खुल जाएगा। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ चाय, ब्लैक टी ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो ब्लैक टी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते, मतलब फास्ट करिए ना थोड़ा खट्टा मीठा पीने में अच्छा लगता है, ऐसे मीठा मीठा नहीं अच्छा लगता। तो आप खाइए सब चीज़ मीठा मीठा तो वो भी मीठा मीठा, और चाय भी पीजिए मीठा मीठा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो दिखाते देखिए कितने अच्छे से मतलब खदक रहा है, खूब खदकाती हूँ मैं तब मुझे अच्छा लगता है। तो ये हो ही गया, चीनी भी मैं डाल दी, अब इसको छानूंगी, तो छान लेती हूँ। कितना रेड दिख रहा है, लग रहा है कि रेड कलर का रंग कोई घोर के आता है। चलिए यहाँ पे प्लेट में रख लेते हैं चाय, मैं पीऊँगी, मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो भी पिएगा, वो लाल चाय उसको भी अच्छा लगता है, ब्लैक टी दूध वाला चाय वो उतना नहीं पीता लेकिन ये वाला चाय वो ज़रूर पीता है। तो चलिए ले चलते हैं, चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में आऊँगी खाना बनाने, तो फिर आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि घर में टी वी देख रहे हैं, ले जाऊँगी तो फिर आवाज़ आएगा बहुत, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं खाना बना ली, और खाने में बनाई हूँ पनीर की सब्जी और रोटी, तो रोटी बन गया मेरा, दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए रोटी बन गया और सब्जी भी दिखा देती हूँ, देखिए सब्जी भी बन गया, सब्जी थोड़ा सा ही बना है क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे, तो देखिए इतना सब्जी बना है। यही छो मतलब दोनों बच्चे हैं और उसके पापा हैं, उतना ही अभी खाइए, सब्जी थोड़ा सा ही है।
चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं कल अगर सुबह में मतलब जाऊंगी ससुराल अपने तो वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो जरूर देखिएगा। चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब तो रात हो गया तो कोई काम नहीं है, अब मिलेंगे हम लोग आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मैं सुबह में ब्लॉग नया स्टार्ट करूँगी, तब तक लिए बाय बाय।